सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन ड्रामा रिलेटेड वीडियो। तो गाइज मैं बता दूं, आज मैं रिव्यू करने आ रहा हूं हेलबॉन्ड के ड्रामे पे। तो गाइज ये के ड्रामा है हेलबॉन्ड, जिसके 6 एपिसोड्स है जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स पे, आप जाके देख सकते हो उसको। हिंदी डब बहुत ही अच्छी की गई है। अब इसमें देखने के लिए क्या मिलेगा, क्या आपका बहुमूल्य टाइम ये डिजर्व करता है या नहीं, इस सारे सवाल का जवाब आपको मेरे इस रिव्यू में मिलेंगे। तो गाइज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाइज इसकी कहानी शुरू होती है एक अजीबोगरीब इंसिडेंट से, मतलब शहर में अजीबोगरीब इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। एक आदमी है वो सबकी मौत बता देता है कि कब होने वाली है, और गाइस जैसे ही वो बताता है उसी मिनट, मतलब एक मिनट का भी इधर उधर नहीं होता, कि 3 राक्षस हल्के छोटे भाई आकर के उनको खत्म कर देते हैं। अब गाइस ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मैं सीरियसली बताऊं मैं उतना ज्यादा बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि जो जिस तरीके के क्रिएचर्स दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, आपको भी पता है मेरे को भी पता है ये सब मीनिंगलेस चीजें, ये सब नॉनसेंस वाली चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से इसके पीछे का जो लॉजिक दिखाया गया, आई फुल्ली अप्रिशिएट दिस स्टेप। तो गाइज एक स्टोरी ये, एंड गाइज दूसरी स्टोरी आती है डिटेक्टिव की इसी के ड्रामे में, कि डिटेक्टिव इन सब के पीछे का रहस्य सुलझाना चाहता है, मतलब उस आदमी को कैसे पता पड़ रहा है कि किस आदमी की मौत किस समय पे होने वाली है, समझ रहे हो। लेकिन गाइज जो मौत है वो हजारों लोगों ने देखी हुई है कि उन राक्षसों ने ही की है। अब इसके ज्यादा क्या तर्क होगा, मतलब क्या ही लोग कर सकते हैं उन राक्षस से रिलेटेड, आप भी बताओ आप ही क्या कर सकते हो। तो गाइज यही इसकी मेन स्टोरी है, मतलब स्टार्टिंग में मैं बता दूं मुझे लगा था कि जो डिटेक्टिव है और ये सब है ये वाले को सिर्फ स्टोरी को सिर्फ खींचने के लिए बढ़ा दिया है, इन्वेस्टिगेशन क्या ही हो सकती है। अब भाई वो बंदा हेल से मरा हुआ है, लेकिन गाइस मैं बता दूं एंड तक एपिसोड में आपको एक मिस्ट्री कमाल की देखने के लिए मिलेगी, और हर एपिसोड में आपको एक ट्विस्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा जो कि आपकी आंख खोल के रख देगा, वाह यार हम कुछ ऐसा ही नहीं देख रहे हैं। तो गाइज ये है इसकी सिंपल सी स्टोरी, जो कि सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज बात करते हैं अच्छी चीजों की एंड बुरी चीजों की, नेगेटिव की एंड पॉजिटिव की। तो गाइज पॉजिटिव पॉइंट में नंबर 1 पे आता है कि माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मतलब हेल से शुरू होने वाला कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है, आई लव दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इसके डायरेक्टर से प्यार हो गया। इसके डायरेक्टर को मैं पहले ही देख चुका हूँ ट्रेन टू बुसान में, जब देखा था तो जो डायरेक्शन था यार वो बाप लेवल का था, लेकिन इन्होंने इस बार बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और कॉमन ऑडियंस को बता दूं यार इस बार आपको बहुत खतरनाक चीज देखने के लिए मिलेगी, और ओपी ऑडियंस को बता दूं कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप जरूर बताना, क्योंकि के ड्रामास में ऐसा कॉन्सेप्ट देखना हम जैसे ड्रामा लवर्स के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसी तरीके का कॉन्सेप्ट देख देख कर ही के ड्रामा फैंस बने हैं। एंड गाइस दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो इसके VFX बताऊंगा, क्योंकि कहीं कहीं पे VFX बहुत ज्यादा कमाल के हो जाते हैं, और जो डार्क टोन है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो इतना ज्यादा कमाल कर देता है। एंड गाइस तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात बताऊं तो जो टेंशन देखने के लिए मिलती है वो सच में यार फील कराती है कि हम भी उसमें फंस चुके हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा, बहुत रियलिस्टिक लगता है। एंड गाइस नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात बताऊं कि मुझे इसमें डर क्रिएचर्स को देखने में नहीं लगा, इंसान की साइकोलॉजी से लगा कि अंतिम सिचुएशन में इंसान किस तरीके से इंसान पे भारी पड़ता है। मतलब जो क्रिएचर वाला जो सीन है वो सिर्फ आपको सिर्फ जस्ट ऐसे ही दिखा दिया गया है, लेकिन जो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सब इंसानों की साइकोलॉजी से रिलेट करता है। तो ये सारी बातें ही इस शो को वर्थ वॉचिंग शो बनाती है। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो नेगेटिव आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें VFX, जो कि इसके पॉजिटिव पॉइंट में थे, मतलब कहीं कहीं पे VFX जो है कमाल के नहीं दिखते, मतलब कि यार आप कोरिया में VFX बना रहे हो और कोरिया से गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब कहीं कहीं पे VFX नकली जरूर दिख रहे थे, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं थे कि आप इस शो को वर्थ वॉचिंग शो ना बनाओ। और कहीं कहीं पे जो डिटेक्टिव वाला जो सीन था, डिटेक्टिव और जो हेल की जो चीजें थी उनको बैलेंसिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो मुझे ये लगा। फिर भी गाइज मैं इन छोटी छोटी कमियों को बता करके आपका मजा बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, जो सस्पेंस है आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको हर एक एपिसोड में इसको एक अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा। गाइज प्लीज आप इस शो को पूरा देखिए, आपके कैरेक्टर से भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसको बिल्कुल भी स्लो पेसिंग पे नहीं रखा गया है, फर्स्ट एपिसोड में आपको खतरनाक फाइट देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज मेरी नजर में ये शो वर्थ वॉचिंग शो है, मैं इसको 5 out of 4.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ग्रेटेस्ट शो रखूंगा मैं इसको। तो गाइज आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और नेक्स्ट किस शो पे या के ड्रामा पे रिव्यू चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, या इंस्टाग्राम की आईडी में बताना ना भूले। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।